नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। भगवान कृपा करें, महालक्ष्मी मां की शक्ति आए पधारे, आप पूर्ण सुखों को भोगें। दीपावली के बारे दोस्तों आप जानते हैं सब कुछ, पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सबके मैसेज आ रहे हैं कि दीपावली के पे क्या करें, क्या करें, क्या करें। दीपावली की रात्रि साधना की रात्रि है। जैसे नवरात्रि में इच्छा शक्ति, आपके मन में विचार आया, विचार बहुत बड़ी क्रांति है, विचार से ही सब कुछ होता है। एक छोटा सा विचार आपको बहुत बड़ा बना सकता है और एक छोटा सा नेगेटिव विचार बड़े से बहुत छोटा कर सकता है। आपको फिर माफी मांगने का भी हक नहीं रहता, कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं। मां श्री विद्या को, मां लक्ष्मी जी को, मां सरस्वती जी को इच्छा शक्ति, विचार की शक्ति, इच्छा पैदा हुई नवरात्रि में और मां की शक्ति से इच्छा आपकी प्योरिफाई हो गई, ज्ञान मिला आपको, ज्ञान शक्ति। तो महाकाली जी का जो दिन है, काली चौदस का दिन है, उसमें बिल्कुल प्योरिफाई हो गया कि कोई गलती ना हो जाए, सब नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो गया। और आज दीपावली, दीपावली में क्रिया शक्ति, आप अपनी क्रिया से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, मां की कृपा से, गुरु की कृपा से सब कुछ हासिल कर सके। इस दिन आप जो भी मंत्र करते हो, जो आपने गुरु महाराज जी से आपको मंत्र मिला उसका जाप करें, जितना कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का जाप करें, जितना कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ओम गंगन पते नमः। और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्या कर्तरे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्या वश्याकरणाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम जो साधना वाले लोग हैं 108 बार करें, पूरी माला करें। वक्त कम है तो 21 टाइम करें, 31 टाइम करें। उसके पश्चात श्री सूक्त के कम से कम 16 पाठ का उच्चारण जरूर करें। आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो श्री सूक्त ऑडियो सुन लें, साथ में बुक ले लें, पढ़ लें उसको। और उसके पश्चात श्री सूक्त का ही एक मंत्र है, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें और दीपावली की रात्रि को कम से कम 1 घंटे तक इस मंत्र का जाप करें। और जैसे आप अपने ढंग से पूजा करते हो, 3 दीपमाला बनाएं, जैसी आपके पास व्यवस्था है। आप 11 दियों की एक माला बना लें, आप 21 दियों की एक माला बना लें, 31 दियों की एक माला बना लें। दीपमाला मीन के गोलाकार चक्र में दीप जला दें, 1 जगह 2 जगह 3 जगह। एक दीपमाला के अंदर आप अपने मूर्तियों को रख लें, उनको मूर्तियों को
स्नान वगैरह करा के उनकी पूजा करके सारा कुछ करके, उसके लिए मैं आपको, आप जानते हैं कैसे करनी है। एक दीपमाला के अंदर आप अपनी चेक्स बुक्स, और अभी नोटबुक का तो टाइम नहीं रहा, कम लोग लिखते हैं, फिर भी शगन के तौर पे एक नोटबुक रखें, एक कलम रखें, पेन रखें, चेक बुक्स रखें। और तीसरी दीपमाला के अंदर गुलाब के फूलों से, कमल के फूलों से मां का आवाहन करें कि मां तुम जहां आके विराज जाओ, मां जहां बैठी रहो मां, और मन से मां का आवाहन करना है, और ध्यान करते करते ही सो जाना है, श्रीमनमय ह्रीमनमय श्रीमनमय का जाप करते करते। कन्याओं की पूजा करनी है, कन्या के लिए निकालना है, गुरु पूजा करनी है, अपने गुरु के लिए जो निकालना है, अपने माता पिता के चरणों में भी कुछ देना है, जो भी आपका जो बच्चे छोटे हैं माता पिता भी बच्चों को देंगे। उसके पश्चात आप अपनी कुछ ज्वेलरी को, चेक बुक्स को जहीं ऐसे कैसे रहने दें। जैसे जैसे दीपमाला के दिए बंद हो जाएं, उसके पश्चात सबको उठा लें, और जो लक्ष्मी जी के आवाहन के लिए आपने फूल रखे हैं, उन फूलों को किसी पिंक वाइट या रेड कलर के कपड़े में बांध करके रख दें, और अच्छी जगह में, पवित्र जगह में रखने की कोशिश करें। और सुबह भी जब दीपावली के बाद उठें, मां की शक्ति को महसूस करें, और जैसे कि जो हर रोज हमें करना चाहिए, जैसे सुबह उठें, बिस्तर के ऊपर उठने से पहले, धरती मां के को के पास जाने से पहले बिस्तर के ऊपर ही बैठे बैठे मां का स्मरण करें, गुरु का स्मरण करें, और महसूस करें कि गुरु की कृपा हो गई है, मां की कृपा हो गई है, जो हम चाहते थे मिल गया हमें, हमारा गोल पूरा हो गया। वो गोल आपका बच्ची की शादी के लिए भी हो सकता है, वो गोल आपका आपकी शादी के लिए भी हो सकता है, आपका गोल बच्चों के लिए भी हो सकता है, गोल आपका बच्चों के कारोबार के लिए भी हो सकता है, वो गोल बच्चों का माता पिता के लिए भी हो सकता है। क्योंकि जैसे अंधेरा होता है, रोशनी आती है तो अंधेरा चला जाता है, अंधेरा रहता जरूर है, गायब नहीं होता, पर दिखाई नहीं देता रोशनी के कारण। ऐसे ही जब मां की कृपा होती है तो सारे दुख दर्द कष्ट मुसीबत सब चले जाते हैं। ऐसे सुबह मां को स्मरण करते करते उठें, स्नान वगैरह करके फिर सुबह में रूटीन में ऐसी की ऐसी ही पूजा करें। सुबह में जैसे तीन दिए जलाए थे, फिर एक एक दिया जला के जहां पे चेक्स बुक रखनी हो वहां वो रख दें, जहां ज्वेलरी रखनी हो वो रख दें, और जैसे आपको कहा कि जहां मां का आवाहन किया था उन फूलों को लेकर के अलग रख लें। और फूल आपके सारा साल काम आ सकते हैं, कभी किसी को नजर लगी है उसको टच करेंगे, कोई बीमार है उसके साथ उसके तकिए के पास रखेंगे, सदा काम आएंगे। तो ये छोटा सा प्रयोग बताया आपको। महारानी बहुत बहुत कृपा करें, आपकी दीपावली शुभ हो, आपका नया साल शुभ हो, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, मां बहुत बहुत कृपा करें। बस इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ।